तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप फ्रेंड्स सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी बच्चे हरियाणा से डिप्लोमा, डिफार्मेसी, डिफार्मा, एमएलटी या अदर कोई सा कोर्स कर रहे हो, दोस्तों मैं बता दूं कि आपके लिए एक बैड न्यूज़ निकल कर आया है। दोस्तों मैं बता दूं कि आपके लिए जो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते हैं उनका एचएसपीटी बोर्ड ने डेट डिसाइड कर दिया है। तो मैं बता दूँ कि ये जो प्रैक्टिकल का नोटिस है आपके वेबसाइट के ऊपर नहीं मिला है, लेकिन बोर्ड आपके कॉलेज को फॉरवर्ड मेल के थ्रू कर दिया है। जो भी कॉलेज है हरियाणा के, गवर्नमेंट, प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, तो नोटिस को कॉलेज में भेज दिया गया है। अगर आपको नोटिस अभी तक नहीं मिला है तो आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप नोटिस वहाँ से ले सकते हो मेरे से। मैं ऑलरेडी नोटिस को फॉरवर्ड ग्रुप में कर दिया हूँ। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपके एग्जाम डेट, आपके एग्जाम मोड और आपके एग्जामिनेशन कब तक होंगे, मैं तो सारा कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बातें करने वाला हूँ और लास्ट में आपको पील के बारे में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों मैं बता दूं कि कल एचएसपीटी बोर्ड ने 15 तारीख को एक गुड न्यूज़ नोटिस दिया था। मतलब नोटिस के अंदर पॉजिटिव न्यूज़ था कि 2018 बैच वाले बच्चे थे उनको प्रमोट कर दिया गया था फर्स्ट ईयर में ओनली, जिनके री थे उनको प्रमोट कर दिया गया था बाई सेशनल बाई इंटरनल असाइनमेंट रिजल्ट को देखते हुए। तो अच्छी खबर निकल कर रहा था। मैंने उसमें एक 18-19 बैच को कंसिडर कर लिया था, इनके लिए फ्रेंड सॉरी, सिर्फ 18 बैच वाले ही प्रमोट हुए थे। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम रिगार्डिंग। दोस्तों कि आपको पता है कि एचएसपीटी बोर्ड ने एक मार्च में 16 या 17 मार्च के आसपास एक नोटिस पब्लिश किया था। इनके अंदर उन्होंने टेंटेटिव एग्जाम डेट भी क्लियर किया था, प्रैक्टिकल डेट भी क्लियर किया था। जैसा कि आपको पता होगा कि आप उस नोटिस को नहीं देखे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 16 या 17 मार्च का नोटिस आया था उसको जाकर आपको चेकआउट करना, वेबसाइट पर ऑलरेडी पड़ा हुआ नोटिस है। दोस्तों मैं बता दूँ कि उस नोटिस के अंदर जो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन थे उनको कंडक्ट करवाने थे 9 या 10 जुलाई के आसपास, ठीक है, 9, 10, 11 तक आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन खत्म हो जाते हैं। लेकिन अब देखो राजेश गोयल सर, जो आपके राजेश गोयल सर है या उच्च अधिकारी जो भी एचएसपीटी के, उन्होंने क्या खेला खेला आपके साथ, क्या खेल खेला है। तो उनका जो अब कहना है कि जो आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगे 1 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में होंगे, यानी कि 1 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में। तो इन्होंने कहा है कि जो आपके प्रैक्टिकल होंगे उनमें सारे बच्चे को कॉलेज आने पड़ेंगे, मतलब कि आपके प्रैक्टिकल मोड ऑफलाइन होंगे और जब आप जाओगे 20 दिन का प्रैक्टिकल करने, इनमें आपको पहले ऑफलाइन प्रैक्टिकल कॉलेज में करवाया जाएगा, उसके बाद आपसे प्रैक्टिकल फाइल ले जाएंगे, फिर आपके भाईवा ले जाएंगे। ये एचएसपीटी के डायरेक्टर सर का कहना है। दोस्तों मैं बता दूँ कि आपका 1 से लेकर 20 तक, 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन चलेंगे और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का मोड ऑफलाइन होगा, जो आपके राजेश गोयल सर ने क्लियर कर दिया है कल के नोटिस के थ्रू। लेकिन नोटिस वेबसाइट में नहीं मिलेगा, कुछ बात होता है, गुप्त बात रखा जाता है, वही आपके डायरेक्टर सर कर रहे हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि जो भी आउटसाइड वाले बच्चे हैं, आउटसाइड स्टेट वाले बच्चे हैं, आउटसाइड कंट्री वाले बच्चे हैं, अभी नहीं आए, तो अभी कॉलेज में नहीं आए और अभी घर पर ही रहे, ठीक है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है तो मैं आपको बता दूंगा, जैसे ही वेबसाइट पर आएगा मैं बता दूंगा। लेकिन आप प्रिपेयर रहे, आपका प्रैक्टिकल 1 से लेकर 20 जुलाई के बीच में होने वाला है, प्रैक्टिकल मोड ऑफलाइन होने वाला है। और मैं बता दूं कि जो आपके पेपर होंगे वह प्रमोट होंगे, नहीं तो आपको अगर पेपर होते हैं तो अगस्त में ही लिया जाएगा, ठीक है। जो मैं बता दूं पील के बारे में, तो पील आपका चल रहा है, पील का प्रोसेस अभी तक चल रहा है। और जो बच्चे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं किए, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाके सपोर्ट करो। अभी तक मात्र 150 बच्चे ही सपोर्ट किए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जाकर आप पील का सपोर्ट करो, ठीक है। सो सपोर्ट करो, सब कुछ होगा, फील डलेगा, 100% डलेगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। कोई डाउट हो आप नीचे कमेंट करना। सो टेक केयर एंड बाय बाय।